हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल फ्रॉम आरजे व्लॉग्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, उसके पीछे कुछ रीजंस है वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी जो ये व्लॉग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को। गाइज, हम लोग टोटल इस ट्रिप में 5 लोग हैं। मैं उनका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो पहला है वो केदार, अपना भाई है, और दूसरा जो है नारायण, वो अपने एरिया का फ्रेंड है, और तीसरा जो है रोहित, वो स्कूल फ्रेंड है, और चौथा जो है प्रशांत जैमी, वो भी अपना भाई है, और पांचवा तो आप लोगों को पता ही होगा मैं। तो गाइज, जो पहला राइड था वो राइड नहीं लेना, जो दूसरा राइड है वो मेन स्पॉट के लिए जाता है, तो वो राइड लेना अपने को। सेकेंड राइट मारने के बाद जो दो रास्ता आता है, जो कि एक पहला और एक दूसरा, इसमें से जो है वो उतना बेहतरीन स्पॉट्स नहीं है, बट इसमें जो है इसमें बहुत भारी स्पॉट्स मिलेगा आपको। पर भी दो रास्ता है, बट अपने को लेफ्ट वाला जाना है, जो कि मेन स्पॉट पर जाता है। तो लास्ट ट्यूसडे को हम लोग ने एक प्लान किया था छोटा सा, जो कि मुलगांव में वड़ा पाव खाने का था। तो हम लोग आए थे वहाँ पर ट्रिप के लिए ऐसे, तो वड़ा पाव खाए, फिर हम लोग ने सोचा इतना देर रुके तो अभी यहाँ पर आके बारवी डैम ही चले जाते। तो हम लोग ने बारवी डैम आए, तो फिर मैंने एक छोटा सा रील्स बनाने का सोचा था, तो रील्स के चक्कर में तीन मिनट का वीडियो बन गया। मतलब जो एडिट किया ना मैंने, वो 3 मिनट का वीडियो था, बट उसमें से फिर वो रील्स मैंने बैठ रहा था तो IGTV पे मैंने डाला। तो IGTV पे जो मेरे को मैसेजेस रिप्लाई कमेंट आने लगे, तो मेरे को पूछने लगे कि भाई ये कौन सा स्पॉट है, कहाँ पे रास्ता बता सकता है क्या। तो मैंने उन लोगों को बोला कि हाँ भाई बता सकता हूँ, बट कैसा ये परफेक्ट इसमें समझेगा ना आप लोगों को चैट में, बट मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ उस पर आपको परफेक्ट क्लियर रास्ता मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए ये व्लॉग बनाने का प्लान इस वजह से ही था। बारवी डैम आपको बदलापुर से 12 किलोमीटर पर पड़ेगा, और 20 किलोमीटर अंबरनाथ से, जो कि आप बाय रोड जा सकते हो इजीली। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा कि बारवी डैम तो सभी लोग आते रहेंगे, बट ये प्लेस पे शायद कम लोग आते होंगे, क्योंकि ये प्लेस सभी को मालूम नहीं रहेगा, जो कि एकदम अंदर है। जो आकर गए रहेंगे उन लोग के लिए तो पता होगा ये प्लेस, अच्छी बात है, बट जो नए आए रहेंगे उन लोग के लिए तो अनसीन प्लेस होगा, क्योंकि हम लोग ही इस प्लेस पे तीसरी बार आए, जो कि हम लोग को भी पता नहीं था फर्स्ट टाइम। बट फर्स्ट टाइम हम लोग ने देखा तो बहुत मतलब बेस्ट प्लेस था जो कि विजिट करने के लिए है बारवी डैम पर।
यहाँ पर छोटा सा ट्रैक है, बट ट्रैक नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मल है, ज्यादा इतना कुछ नहीं, जा सकते आराम से नॉर्मली। प्लेस है वो जहाँ पर हम लोग आए थे, जो IGTV पे मैंने वीडियो डाला था ना, तो इस पर बहुत लोग ने मैसेज किया कि कहाँ पर है भाई, रास्ता बता सकते हैं क्या, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही क्यों ना बना लूँ इस पर। तो बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए शाम के टाइम, मतलब सनराइज सनसेट भी एक नंबर होगा यहाँ से, अगर नेचर लवर हो तो यहाँ पर विजिट करना ज़रूर। इतना लेट क्यों आ रहा है उसके पीछे दो रीजन है, मेन जो है पहला है मनी भाई, और दूसरा जो है जब सब सेट हो जाता है प्लान उसके बाद कुछ ना कोई ना कुछ प्रॉब्लम आ जाके वो प्लान कैंसिल हो जाता है बाद में, ऐसा काफी हुआ है। अभी रिसेंटली हम एक प्लान किए थे ये मंथ का फर्स्ट वीक में, बोले लॉकडाउन की वजह से वो भी कैंसिल हुआ। अभी पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है तो कहीं जा नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए प्लान ड्रॉप कर दिए, ये मंथ का था फर्स्ट वीक। अभी नेक्स्ट मंथ डिसाइड किए, लोकेशन तो सेम वही रहेगा, बस डेट चेंजेस है, जाएंगे मचाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अगर लोकेशन को लेके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए व्लॉग में, स्प्रेड लव, पीस आउट।